आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। डीग ब्लॉक त्रिस्तरीय संचालन समिति सदस्य मनोज मिश्रा ने किया कावरिया शिविर का उद्घाटन। खबर जनपद भदोही के ऊंच क्षेत्र अंतर्गत कुरमैचा से है, जहां डीग ब्लॉक त्रिस्तरीय संचालन समिति सदस्य मनोज मिश्रा ने कावरिया शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान शिविर तक पहुंचने वाले कांवरियों का मनोज मिश्रा ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मनोज मिश्रा ने कहा कि इस तरह के कांवरिया शिविर का अन्य लोगों को भी आयोजन करना चाहिए, जिससे कांवर ले जाने वाले भक्तों को सुविधा प्रदान हो सके। उन्होंने कहा कि केवल हवा हवाई धर्म और आस्था का ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जब भी मौका मिले धर्म और आस्था के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से ही धर्म को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस शिविर में खाने पीने और विश्राम करने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वह शिविर लगाकर लोगों की मदद कर सकते हैं, और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वह लोगों की सेवा कर अपार पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमें विश्व के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, धर्म कार्य में लगे लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे में यदि आप धर्म कार्य करने की सोच रहे हैं तो कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की मदद कर मानवता का फर्ज निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहें तो शिविर तक आकर लोगों की मदद कर सकते हैं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि धर्म कार्य में सहयोग भावना धर्म को और मजबूत करती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बचपन से ही मैंने सुना और देखा है कि जब भी कोई धर्म कार्य करे, जैसे मंदिर निर्माण, गया प्रस्थान आदि में संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी सहयोग मांगता है और तब धर्म कार्य को संपन्न करता है। जैसा कि मैंने बुद्धिजीवियों से सुना है कि ऐसा करने से अभिमान नहीं रहता कि यह कार्य मैंने संपन्न किया है। उन्होंने जनपद के तमाम बुद्धिजीवियों से आग्रह किया कि इसी तरह के क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में शिविर लगाकर लोगों की सेवा करें। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धर्म और आस्था में आ रहे रुकावट को दूर करने के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस बार भी कांवरिया शिविर का आयोजन किया गया है, और जब तक मैं इस धरा पर हूँ, इसी तरह प्रतिवर्ष अपने भाइयों के सहयोग से कांवरिया शिविर का आयोजन करता रहूँगा। इस मौके पर थानाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य, रामकृष्ण मिश्र, मोहित मिश्रा, अशोक मौर्य, अरुणेंद्र चौबे, केशव सिंह, अरविंद सिंह, संतोष तिवारी, दशरथ यादव, मनोज ओझा, संतोष सरोज, कृष्ण मुरारी कनौजिया, रविंद्र बिंद, विनीत सिंह, राकेश चतुर्वेदी समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। विश्राम शिविर का जो है उद्घाटन हुआ जो है, जिसमें अनुरोध कई वर्षों से हो रहा है, और आज जो है पुनः इस वर्ष भी उद्घाटन किया गया, और यहाँ जो है शिव भक्तों के रहने ठहरने खाने का जो व्यवस्था किया गया है बहुत उत्तम है, और ये बहुत पुनीत कार्य है। हर कार्य लोग करते हैं जो है, ये काम बैठ कर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ के सारे आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो है, वो आभार है, और इसी तरीके से अनुरोध चलता रहे। यही भोलेनाथ से जो है हम लोगों की मांग है कि कृपा बनी रहे उनकी, और ये सही कार्यक्रम चलता रहे, और क्षेत्र के लोग जो है कांवरियों का, शिव भक्तों का सेवा करते रहे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।